मुंबई के बांद्रा ईस्ट स्थित नौपाड़ा में 30 साल से एक ऐसी समस्या थी जिसको किसी ने दूर नहीं किया। अब उस समस्या को दूर किया है शिवसेना नगर सेवक ने। जी हां, आपने सही सुना, पानी की एक ऐसी समस्या जिसको हाजी हलीम खान ने अपनी समस्या समझकर पानी की समस्या को दूर किया, जिससे नौपाड़ा की जनता में एक खुशी की लहर थी जिसका एक रूप इस तरह देखने को मिला। नौपाड़ा की जनता ने ढोल की आवाज की गूंज के बीच फूलों मालाओं और शॉल से वार्ड क्रमांक 93 के नगर सेवक हाजी हलीम खान का स्वागत किया। कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम के दौरान सभी के चेहरे पर मास्क लगा हुआ नजर आया। सबसे पहली बात तो है, मेरी दो टीम का शुक्रिया करूंगा। देखो, एक ऊपर की टीम होती है, एक नीचे की टीम होती है। जब हम लोग ये पानी का सिलसिला लेके आसिफ भाई, हम लोग सब बैठे आपस में, तो आसिफ भाई, गुफरान भाई, अपने जावेद भाई, असलम भाई, जुबेर भाई और हातिम और लियाकत भाई साथ में थे, हमारे छः जन मिलके बोले कैसे मसला हल होएगा। तो सबसे पहली बात हुई, हम अनिल परब साहब के पास जाएंगे, अनिल परब साहब इसका सोल्यूशन निकाल के देंगे। जब हम अनिल परब साहब से मिले ये सोल्यूशन को लेके, तो बोले बेफिक्र हो जाइए, आप लोग ये लाइन डालिए, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। सबसे बड़ा सपोर्ट तो हमको अनिल परब साहब का था, जो ऊपर से मिला। अब रही ऊपर की सिग्नल हमको मिल चुका था, अब नीचे कौन काम करेगा? तो नीचे मैं हकीकत में बोलता हूँ, मैं तो था, मेरे साथ ये छः बंदे वाकई में जो नौपाड़े के लिए वाकई में दिल से मेहनत की, ना इनको कोई इलेक्शन लड़ना था, ना इनको कुछ नहीं था, पर इनको सिर्फ नौपाड़े के लिए मुफाद था, बस नौपाड़े में पानी आए, क्योंकि हमारी माँ बहन थक गई है पानी भर भर के नीचे जा जाके। हमको ये लाइन चाहिए हलीम भाई, ये आसिफ भाई, जुबेर भाई, असलम भाई, गुफरान भाई, हातिम और अन्ना अपना लियाकत भाई का ये कहना था। पर ये हम लोग ने अंजाम दिए, तो करने वाली जात तो अल्लाह की थी, पर बुज़ुर्ग हमारे साथ, उनकी दुआ भी थी। सब जो बुज़ुर्ग खड़े हैं, ये खुद बोले, हलीम भाई तुम हमारे बेटे जैसे हो, हर इलेक्शन में हर कोई आता है, वादा करता है पानी लाएंगे, गटर बनाएंगे, पर कभी कुछ नहीं होता, पर तुमसे एक उम्मीद है। तो मैंने बोला उम्मीद मेरे से नहीं रखना, बाबू चाचा को बोला उम्मीद अल्लाह से रखना, बाकी मैं तुम्हारा जरिया बनूंगा इंशाल्लाह। दोनों चीज़ नौपाड़े की, गटर भी बना के दे दिया और पानी भी लेके आ गया, जो 30 साल से मसला हल नहीं हुआ था। पर ये मैं हकीकत मेरे बुजुर्ग लोग को दुआ है, जो इनकी इनका दूर दुआ थी हमारे साथ, हम जवान लोग ने मिलके काम किए। और अब इसके बाद हमारा जो मकसद है आने वाला 2022 के बाद, नौपाड़े के अंदर 16-16 माले की बिल्डिंग बनाना, ये हमारा मकसद है। और इंशाल्लाह हाजी अलीम जिंदाबाद। कहीं ना कहीं एक ऐतिहासिक दिन है पूरे नौपाड़ा के लिए, और हजारों लोगों ने जो किया कि स्थानीय रहवासी आपको शुभकामनाएं दिया है, इसको सर आप कैसे देखते हो? मैं तो इनकी दुआ मांगता हूँ, क्योंकि इनने मेरे पे भरोसा करके एक शिवसेना के कॉर्पोरेटर बना, मतलब एक मुस्लिम एरिया में बहुत बड़ी बात है, मतलब समझ लो कोयले के अंदर सुई ढूंढने के बराबर है। जो भैरमपाड़ा से एक मुसलमान कॉर्पोरेटर शिवसेना की सीट से जीत के आता है, तो इन सब का प्यार था और मेरे पे एक भरोसा था, इसलिए मैं जीत के गया। तो इनका कहीं ना कहीं मुझे काम करना था, उद्धव साहब, आदित्य साहब का आशीर्वाद था मेरे साथ, सर पे हाथ था उनका बोला जाए, और आदित्य साहब का पूरा सपोर्ट था परब साहब का मेरे को कोई चीज़ को लेके, क्योंकि अब तक जो बहराम नौपाड़ा में जो काम नहीं हो वो सब काम हो रहे हो, तो सभी देख रहे थे, कब्रस्तान से बोले, हिंदू मशान भूमि बोले, पर पानी का मसला हमेशा इलेक्शन का दौर होता था। ये 30 साल से मैं भी सुनता था, जब इलेक्शन आता था नौपाड़ा के जनता को यही बोलते थे, हमको जिताओ हम पानी ला के देंगे, चाहे यहाँ बड़े बड़े लीडर चाहे प्रियादत्त जैसे या कोई भी, मतलब अपने किसी का ये नहीं, मतलब बेचारा उनको भी इसका मसला उन लोग ने बोले थे, पर अल्लाह को जिससे काम लेना होता है तो अल्लाह ने मेरे से काम लिया इनकी दुआ से, और मेरी नियत साफ थी, मंजिल हासिल, आज मैं नौपाड़े को पानी मिला, मुझे बहुत बात की खुशी है। पर मसला हो गया एक साल लेट, ये पूरी राजकारण के वजह से, पर मैं ये कहना चाहता हूँ राजनीति मत करो, राजनीति करना है 2022 में करना है, मेरे साथ जितना करना है, पर अभी जनता का काम मत रुकाओ, बस ये कहने की बात है। ठीक है, सबसे पहली बात तो है, मेरी दो टीम का शुक्रिया करूंगा। देखो, एक ऊपर की टीम होती है, एक नीचे की टीम होती है। जब हम लोग ये पानी का सिलसिला लेके आसिफ भाई, हम लोग सब बैठे आपस में, तो आसिफ भाई, गुफरान भाई, अपने जावेद भाई, असलम भाई, जुबेर भाई और हातिम और लियाकत भाई साथ में थे, हमारे छः जन मिलके बोले कैसे मसला हल होएगा। तो सबसे पहली बात हुई, हम अनिल परब साहब के पास जाएंगे, अनिल परब साहब इसका सोल्यूशन निकाल के देंगे। जब हम अनिल परब साहब से मिले ये सोल्यूशन को लेके, तो बोले बेफिक्र हो जाइए, आप लोग ये लाइन डालिए, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। सबसे बड़ा सपोर्ट तो हमको अनिल परब साहब का था, जो ऊपर से मिला। अब रही ऊपर की सिग्नल हमको मिल चुका था, अब नीचे कौन काम करेगा? तो नीचे मैं हकीकत में बोलता हूँ, मैं तो था, मेरे साथ ये छः बंदे वाकई में जो नौपाड़े के लिए वाकई में दिल से मेहनत की, ना इनको कोई इलेक्शन लड़ना था, ना इनको कुछ नहीं था, पर इनको सिर्फ नौपाड़े के लिए मुफाद था, बस नौपाड़े में पानी आए, क्योंकि हमारी माँ बहन थक गई है पानी भर भर के नीचे जा जाके। हमको ये लाइन चाहिए हलीम भाई, ये आसिफ भाई, जुबेर भाई, असलम भाई, गुफरान भाई, हातिम
और अन्ना अपना लियाकत भाई का ये कहना था, पर ये हम लोग ने अंजाम दिए तो करने वाली जात तो अल्लाह की थी, पर बुज़ुर्ग हमारे साथ उनकी दुआ भी थी। सब जो बुज़ुर्ग खड़े हैं ये खुद बोले, हलीम भाई तुम हमारे बेटे जैसे हो, हर इलेक्शन में हर कोई आता है वादा करता है पानी लाएंगे गटर बनाएंगे पर कभी कुछ नहीं होता, पर तुमसे एक उम्मीद है। तो मैंने बोला उम्मीद मेरे से नहीं रखना बाबू चाचा को, बोला उम्मीद अल्लाह से रखना, बाकी मैं तुम्हारा जरिया बनूंगा इंशाल्लाह। दोनों चीज़ नौपाड़े की, गटर भी बना के दे दिया और पानी भी लेके आ गया, जो 30 साल से मसला हल नहीं हुआ था। पर ये मैं हकीकत मेरे बुजुर्ग लोग को दुआ है, जो इनकी इनका दुआ थी हमारे साथ, हम जवान लोग ने मिलके काम किए। और अब इसके बाद हमारा जो मकसद है आने वाला 2022 के बाद, नौपाड़े के अंदर 16-16 माले की बिल्डिंग बनाना, ये हमारा मकसद है। और इंशाल्लाह हाजी अलीम जिंदाबाद, हाजी अलीम जिंदाबाद, हाजी अलीम जिंदाबाद। सर कहने का एक ऐतिहासिक दिन है पूरे नौपाड़ा के लिए और हजारों लोगों ने जो किया कि स्थानीय रहवासी आपको शुभकामनाएं दिया है, इसको सर आप कैसे देखते हो? मैं तो इनकी दुआ मांगता हूँ क्योंकि इनने मेरे पे भरोसा करके एक शिवसेना के कॉर्पोरेटर बना, मतलब एक मुस्लिम एरिया में बहुत बड़ी बात है, मतलब समझ लो कोयले के अंदर सुई ढूंढने के बराबर है। जो भैरमपाड़ा से एक मुसलमान कॉर्पोरेटर शिवसेना की सीट से जीत के आता है, तो इन सब का प्यार था और मेरे पे एक भरोसा था, इसलिए मैं जीत के गया। तो इनका कहीं ना कहीं मुझे काम करना था, उद्धव साहब आदित्य साहब का आशीर्वाद था मेरे साथ, सर पे हाथ था उनका बोला जाए, और आदित्य साहब का पूरा सपोर्ट था परब साहब का मेरे को कोई चीज़ को लेके, क्योंकि अब तक जो बहराम नौपाड़ा में जो काम नहीं हो वो सब काम हो रहे हो, तो सभी देख रहे थे कब्रस्तान से बोले हिंदू मशान भूमि बोले। पर पानी का मसला हमेशा इलेक्शन का दौर होता था, ये 30 साल से मैं भी सुनते आता, जब इलेक्शन आता था नौपाड़ा के जनता को यही बोलते थे हमको जिताओ हम पानी ला के देंगे, चाहे यहाँ बड़े बड़े लीडर चाहे प्रियादत्त जैसे या कोई भी, मतलब अपने किसी का ये नहीं, मतलब बेचारा उनको भी इसका मसला उन लोग ने बोले थे, पर अल्लाह को जिससे काम लेना होता है तो अल्लाह ने मेरे से काम लिया इनकी दुआ से। और मेरी नियत साफ थी मंजिल हासिल, आज मैं नौपाड़े को पानी मिला, मुझे बहुत बात की खुशी है। पर मसला हो गया 1 साल लेट ये पूरी राजकारण के वजह से, पर मैं ये कहना चाहता हूँ राजनीति मत करो, राजनीति करना है 2022 में करना है, मेरे साथ जितना करना है, पर अभी जनता का काम मत रुकाओ, बस ये कहने की बात है। ठीक है हाजी हलीम साहब के पूछी सी वजह से आज तो समझो 60-65 साल हो गए, जब अंग्रेजों के ज़माने की जो लाइन लगी हुई है, अंग्रेजों ने जो लगाए थे वो इतनी सी वही लाइन आज तक लगी हुई है, और जो है तो इतने बरस हो गए आज तक का कांग्रेस हमारे यहाँ पे बहुत ज़माने से थी, इससे पहले भी एक शिवसेना के नगर सेवक बने, मतलब आए थे लोग, कांग्रेस तो बहुत ज़माने से थी। ये हमारे शिवसेना के नगर सेवक जो हाजी साहब है, हाजी हलीम साहब, इन्होंने मेहनत, इनकी मेहनत और इनकी कोशिश, और हमारे जो भाई है मोहल्ले के 5-6 जन है, जो हमारे गुफरान भाई, आसिफ भाई, जुबैर भाई और जावेद भाई, असलम भाई, असलम माहिमी, ये लोगों की मेहनत की है लोगों ने, और वो मेहनत की वजह से और हाजी साहब का फुल सपोर्ट, और अपने शिवसेना के जो बड़े लीडर है, क्या नाम है उनका, अनिल परब साहब, उन्होंने भी डेरिंग दिलाया बच्चों को, तो बच्चों ने मेहनत किए, तो आज 65 साल के बाद में पानी जो है बड़ी लाइन आ गई। नहीं तो कांग्रेस वाले जो है आज से 60-65 साल से कांग्रेस हमारी जो है 65 साल से हमारे पे कांग्रेस ही है। शिवसेना भाई हाजी हलीम साहब आए पहली बार नगर सेवक में, तो वो कांग्रेस बोलती थी कि भाई पटरी के नीचे से कौन लाएगा, पटरी के नीचे से कौन लाएगा, ये जो पटरी है सिंगल पटरी है, मालगाड़ी की पटरी है वो, तो पटरी के नीचे से कौन लाएगा, पटरी भी तो हिंदुस्तान की है ना, तुम ही लाओ, जो पार्टी वाले जीते हैं वो लाएंगे। एमपी के पास हम गए नगर से, एमपी कांग्रेस की एमपी का पेपर लेटर देने वाले हमने खुद दिए, मैं दिया हूँ, हम लोग जाके कमेटी वाले हम लोग खुद जाके दे के आए थे, लालू प्रसाद तभी रेलवे मिनिस्टर था उस वक्त में, हम लोग ने प्रियादत्त को लेटर दिए था तब की बात है, तो वो लेटर भी एकदम बाद में अंदर चले गया, लेटर का जवाब भी आया लालू प्रसाद हमने भेजे, तो लेटर का जवाब आया हमने प्रियादत्त को दिए थे जाके, लेकिन उसका भी कुछ नहीं हुआ उसके बाद भी, बोले पटरी से बोले एनओसी नहीं मिलती है, एनओसी नहीं मिलती है, खाली ऐसी है लॉलीपॉप था बस, सीधी बात है, सही बात है और हक बात है। ये है कि आप जो है कांग्रेस शिवसेना वाले अपने हाजी हलीम साहब और अपने बच्चे लोग ने मिलकर मेहनत की है, तो ये पानी की लाइन पटरी के नीचे से आ गई, तो आप तो हर दावेदार उठ रहे, क्योंकि मेन जो था वो किला वो फतेह हुआ, बाद में तो लाइन ला गया, फिर पानी भी लेके आ गए। आज 65 साल बाद हाजी हलीम साहब ने अपनी मेहनत से शिवसेना की मदद से ये पानी आया और आज ओपनिंग हो गई। पानी चालू होने से जनता इतनी सुकून में आ जाएगी कि आज से पहले गटर का पानी आ रहा था नलों में काला काला पानी, आधा आधा घंटा पानी नल चालू करना पड़ता था, पानी बहाना पड़ता तब जाके 15 मिनट सिर्फ पानी आता था, इससे तो वो भी मोटर के बगैर पानी आता ही नहीं है,
वो भी गंदा पानी आता था, अभी ये पानी आने की वजह से इतनी राहत हो जाएंगी इंशाल्लाह कि लोग है ना दुआएं देंगे हाजी अलीम साहब को और जिन्होंने मेहनत की उनको। अस्सलाम वालेकुम नौपाड़ा हस्ती भाई, हाजी अलीम साहब का साथ देने का हमारा कामयाबी हो गया, हमारी आ गया पानी भाई, अल्लाह ने भेजा। अनिल परब साहब ने ऐसा बोले थे हमारा कॉलर टाइट करके बोलेंगे हम नौपाड़े में पानी लाएंगे, 40 साल में पानी आया, 40 साल में ये आदमी ले लाया अलीम खान जी द्वारा, ये हाजी अलीम ने लाया और जो हाजी अलीम को नहीं लाएगा वो आदमी गलत है। आज के बाद हाजी अलीम को लाना जरूरी है। हाजी अलीम, हाजी अलीम जिंदाबाद, जिंदाबाद शिवसेना जिंदाबाद, हाजी अलीम जी उदय ठाकरे जिंदाबाद, उदय जी हमारा रमजान महीना आ रहा है, तकलीफ मत दो हमको, रमजान महीना हमको इबादत करने दो, और तुम्हारा शुक्रिया बहुत बहुत, हमारे एरिया में पानी लाए, 40 साल तक कोई पार्टी ने नहीं लाया पानी, ये तुमने हाजी अलीम को टिकट दिए, हम तुम्हारा शुक्रगुजार करते, और अभी भी दे रहा हम देंगे साथ।